अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैं ये जिस तरह आप देख रहे हैं लाहौर स्टेशन पे, और आज हम लाहौर से कराची जा रहे हैं। और आज ज़िंदगी का मेरा ये आज तक का सबसे बुरा एक्सपीरियंस होने वाला था पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। तो सीन ये था कि भाई कोई एहतजाज चल रहा था, रेलवे लाइंस ब्लॉक थी, तो पूरा जो रेलवे का सिस्टम धरम भरम हो चुका था। और ये बात हमें पता चली ट्रेन के डिपार्चर से कुछ 3 घंटे पहले, बट स्टिल रेलवे वालों ने बोला कि ट्रेन ऑन टाइम है, आपको आना है टाइम पे। तो वो इस तरह भी देख सकते हैं कि ये ट्रेन आ रही है तेज़गाम एक्सप्रेस से, इसका जो टाइम है लाहौर पहुँचने का वो है दोपहर में 1:30, और ये अभी पहुँच रही थी 8:10 थे आई बिलीव। तो तकरीबन ये 6-6.25 घंटे डिले थी। तो बहुत ही परेशान कन सूरत हाल थी, समझ आ गया था कि ग्रीन लाइन भी डिले ही होगी। तो इनिशियली प्लान ये था कि हमने लाहौर टू कराची जाना है विद फैमिली। तो कराक्रम से एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा हमारा, तो सब ने बोला कराक्रम पे टिकट्स बुक करो, बट फाइनल मिनट पे हमने ग्रीन लाइन को चूज़ किया। वजह ये थी ग्रीन लाइन रात को 8 बजे चलती है, तो फिर आपको तकरीबन वो पूरा दिन भी मिल जाता है अगर आपको कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी हो। तो ग्रीन लाइन जैसे हम स्टेशन पहुँचे, तो स्टेशन पहुँचे तो हमने रश देखा तो कुछ ज़्यादा ही रश था, इतना नॉर्मली होता नहीं है एक ट्रेन के लिए। तो जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों से बात हुई पता चला कि जी यहाँ तो एक नहीं 3 ट्रेन के पैसेंजर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं और उन सबकी ट्रेन हो गई हैं डिले। तो सरप्राइजिंगली ग्रीन लाइन इस्लामाबाद से ऑन टाइम ठीक 8:01-2 पे आए लाहौर स्टेशन पहुंच गई, और ये हमारे लिए बहुत सरप्राइज़ था, बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। क्योंकि अगर ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म पर तो इट मींस कि वो चली भी जाएगी ऑन टाइम। तो हम थोड़ा सा रिलीफ थे कि यार चलो हमारी ट्रेन तो टाइम पे चली जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ नहीं था। तो ये लोकोमोटिव को डिटैच किया जा रहा है जिसने इस्लामाबाद से लाहौर तक लीड किया ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को। अब यहाँ पे न्यू कोचेज़ ऐड होनी है, और न्यू कोचेज़ ऐड होने के साथ साथ न्यू लोकोमोटिव भी इसके लिए असाइन हो जाएगा जो ऑल द वे कराची तक लीड करेगा। तो अब नज़रें सिर्फ ट्रैक्स पे थी कि कब वो लोकोमोटिव आएगा और वो अटैच होगा और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस कराची के लिए रवाना होगी, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं था अगले 2 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं। तो तकरीबन 2 घंटे की फारी के बाद, क्योंकि बैठने की कोई प्रॉपर जगह नहीं थी प्लेटफॉर्म पर, सब नीचे ही चादरें बिछा के बैठे हुए थे, ठंड थी लाहौर में। तो अब बस यही दुआ थी काश कि हमें CNR कोच मिल जाए, जो थोड़ी लेटेस्ट कोच होती है, कंफर्टेबल होती है, शोर ज़्यादा नहीं होता उसमें। गाइस प्लीज़ हेल्प मी 1000K सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करने में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम और ब्लॉग्स आपके लिए लेके आते रहें, थैंक यू। तो और वो हुआ वैसा ही कि हमारे नसीब में CNR कोच आई, और थोड़े से हम खुश थे, लेकिन जैसे ही हम कोच के अंदर गए जाते ही हमें एक शॉक लगा कि इसमें कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है, कोई भी पावर सॉकेट नहीं है। उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं है। तो ट्रेन चली तकरीबन 11:15 पे, और मोबाइल डिवाइसेस तब तक जो भी डिवाइसेस थे हमारे पास सब वो डिस्चार्ज हो चुके थे। तो जाते ही फिर हमने बस सोने का इरादा किया और सोए।
800 रुपये ले ली। ये टूर सीरीज़ ऑफ बैड लक था जिसमें स्टार्ट ही हुआ डिले से। डिले के बाद नेक्स्ट शॉक लगा कि आपकी कोच में कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं, और जिसने बहुत बड़ा इशू ये क्रिएट किया कि हमारी डिवाइस सारी डिस्चार्ज हो गई थी और हम किसी भी स्टेशन को कैप्चर नहीं कर पाए, किसी भी स्टेशन को भी। जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकी हमारा सिर्फ एक ही फोकस होता था कि जल्दी से किसी चार्जिंग पोर्ट को ढूंढा जाए और जितना हम फ़ोन चार्ज कर सकते हैं हम करें। तो सेम हुआ ये रोड़ी पे कि जब ट्रेन अभी रोड़ी पे पहुंच रही थी तो मेरा जो कैमरे की चार्जिंग थी वो ऑलमोस्ट 5% पे आ चुकी थी। तो अभी हम रोड़ी स्टेशन पे रुके भी नहीं थे, तो उससे पहले ही मेरा कैमरा है वो बंद हो गया। तो फिर सीधा भाग के चार्जिंग पोर्ट से फ़ोन को चार्ज किया और फिर हमने आगे जितनी फुटेज बना सके हमने बनाई। मिट्टी आई बहुत तो अभी हम नवाबशाह से थोड़ा पीछे थे, ये स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है। तो हमने ड्राइवर साहब से जाके बात करी कि क्या वजह है कि ग्रीन लाइन इतना रुक रही है, इतना तो कभी तेज़ काम या पाकिस्तान एक्सप्रेस में इतना रुकती है लाहौर से कराची में जितना इस दफ़ा ग्रीन लाइन रुक रही है। तो उन्होंने बोला कि सारी ट्रेन जो हैं वो 6 से लेकर 15 घंटे तक डिले हैं, तो किसी भी ट्रेन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, हर ट्रेन एक दूसरे को फॉलो कर रही है, तो इसी वजह से हॉट डिले हो गए।
रहना चाहिए। तो क्यों उसको बोला तो कर दिया भाई, पैसे दे दिए, मैं जब लेके निकल गया पैसे यार, वो ने पैसे भी दिए जाना है आप क्या घूमने आए, घूमने आए हो आठ बजे के आसपास हमने बिन कासिम स्टेशन को पास किया और अब जाके जान में जान आई कि फाइनली हम कराची पहुंच गए हैं। और तकरीबन इस ट्रेन ने हमें 7 घंटे बाद कराची पहुंचाया। इसका टाइम था 1:30 और इसने हमें कराची पहुंचाया 8:30। तो ये थी पूरी जर्नी, होप आप सबने इन्जॉय की होगी। Thank you for watching.